और देश में कोरोना की फिर से रफ्तार बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण 8% के पार, 24 घंटे के दौरान देश में 17,073 नए केस। देश में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के केस में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में आशंका सता रही है कि कहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार से नई लहर तो नहीं आएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखा जाए तो 24 घंटे के दौरान देश में 17,073 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से देश में 24 घंटों के अंदर 21 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 94,420 हो गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखें तो रविवार की तुलना में कोविड पॉजिटिव दर में पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 45% का इजाफा हुआ है, जिससे केंद्र समेत कई राज्यों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बीते दिन सबसे अधिक 2,369 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि अकेले मुंबई में कोरोना के 1,062 मामले दर्ज किए गए। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण दर 8% के पार चला गया है। यहाँ 24 घंटे के अंदर 628 नए केस सामने आए। इस तरह दिल्ली में कोरोना के कुल 4,553 एक्टिव मरीज हो गए हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या 389 हो गई।